नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे दशहरा स्पेशल कार्यक्रम में। और मैं हूँ आपके साथ पूजा। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है और आज नवरात्रि का 10वां दिन है, यानी कि दशमी है, दशहरा है। दशहरा बेहद खास है, इसी के साथ इस नवरात्रि की समाप्ति भी हो चुकी है। पर ये दशहरा हमें क्या मैसेज देता है, राम जी हमें क्या मैसेज देते हैं और इसी के साथ इस दशहरा की क्या खासियत है, इस पे चर्चा करने के लिए, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश विदेश के जाने माने ज्योतिष आचार्य रामचंद्र अनुरागी आचार्य मिश्रा जी। तो चलिए सबसे पहले आचार्य राज मिश्रा जी का स्वागत करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आज का दशहरा क्यों बेहद खास है और इस दशहरे को आप किस प्रकार से सेलिब्रेट करें। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, जय श्री राम। आचार्य जी देखा जाए कि पूरी नवरात्रि का जो असली मजा है वो आज का ही है। दशहरा का मजा अपने आप में ही अलग है, अपने आप में ही अनूठा है। तो आज का दिन बेहद खास है, दशहरे को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम दशहरे को लेकर के डिस्कस करें उससे पहले मैं चाहूँगा हम सभी लोग हाथ जोड़ करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे अंदर का जो रावण है उसको नष्ट करके हमारे जीवन को सुख समृद्धि प्रदान करें। आइए आप सभी लोग मेरे साथ हाथ जोड़ करके श्रद्धापूर्वक भगवान राम का ध्यान कीजिए। ॐ नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारो पितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। मैं प्रभु राम से प्रार्थना करता हूँ उनका शुभ आशीर्वाद आप सब पर बना रहे ताकि आप सभी का जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो। जी जी बिल्कुल। तो आज का दिन बहुत खास है, इस दिन को हम कैसे देखें? आज देखिए, आज का दिन वास्तविकता में खास है। आज के दिन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर हो, चाहे बुराई में कितनी भी ताकत हो, लेकिन एक दिन निश्चित रूप से अच्छाई को उस पर विजय प्राप्त होती है। बुराई चाहे जितनी ताकत हो, श्री रामचरितमानस से हमें बहुत कुछ सीखने को प्राप्त होता है और रावण से भी बहुत कुछ सीखने को प्राप्त होता है। शायद रावण के अंतिम शब्द बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन रावण ने अंतिम में एक शब्द कहा था कि कल करे सो आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। रावण ने कहा था जो कार्य कल पर करना है कल पर कार्य को मत टालिए, जो कल करना है उसको आज कर लीजिए, और जो आज करने का विचार है उसको अभी कर लीजिए। पल में क्या हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। आप लोगों को नहीं पता कि रावण एक बहुत तपस्वी व्यक्ति था, सभी लोग जानते हैं रावण बहुत तपस्वी व्यक्ति था और था भी उत्तम कुल पुलस्ति करनाति, बहुत उत्तम कुल था रावण का। तो जब रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध हो गया, मेघनाथ का वध हो गया, तो रावण ने मन में इस प्रकार का विचार किया कि मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे विधि का जो विधान है वो परिवर्तित हो जाए। और रावण ने एक यज्ञ करना प्रारंभ किया जिसके बाद कि कोई भी पुत्र पिता से पहले जिसकी मृत्यु न होती। रावण ने एक प्रकृति को परिवर्तित करने का प्रयास किया कि आज के बाद ब्रह्मा को मजबूर होना पड़ेगा कि कोई भी पुत्र पिता से पहले नहीं मरेगा। ये वास्तविकता विधि को बिल्कुल परिवर्तित कर रहा था। उसके एक ही दिन का यज्ञ बचा था और उस दिन भगवान राम ने उसको मार दिया। दो चीजें किया, एक तो विधि के विधान को परिवर्तित करना किसी के लिए संभव नहीं है, परमात्मा भी उसको नहीं करते हैं, और दूसरा उसके अहंकार को खत्म किया। तो रावण ने जब उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु के समय पर उसने यह शब्द कहा कि कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में परले। मैं कितना बड़ा कार्य करने जा रहा था, यदि मेरा यज्ञ संपूर्ण होता तो शायद कोई पुत्र अपने पिता से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, लेकिन मैं अंतिम दिन उस यज्ञ को संपूर्ण नहीं कर पाया। तो उसका रावण से बहुत कुछ सीखने की जरूरत होती है, रावण के कार्य से बहुत कुछ सीखने की जरूरत होती है। रावण क्या है, हम सभी के शरीर के अंदर उस समय पर एक रावण था, लेकिन रावण के अंदर भी बहुत सारी विशेषताएं थी। लेकिन आज हम सभी के अंदर पता नहीं कितने रावण है। रावण क्या है, रावण हमारे शरीर की 10 इंद्रियां हैं।
जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं, वही वास्तविकता में हमारे अंदर का रावण है। हमें निश्चित रूप से उनको बेहतर करने की आवश्यकता होती है। आज के दिन परमात्मा की आराधना के माध्यम से उन इंद्रियों पर काबू पा लेना, वो जो हमारे अंदर क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार है, उनको नष्ट कर देना, वास्तविकता में रावण के वध के रूप में देखा जाता है। आपने कभी भी देखा होगा रावण की चीजों से कि अगर आप अन्याय करते हैं, आप गलत करते हैं। रावण कौन था? रावण के लिए लिखा है कि चलत दशानन डोलत धरनी। एक बार अगर रावण चलता था तो धरती जो है वो डोलती थी। रावण के चलने से जो और रावण के गर्जने से देवता भी थर्राते थे। उसको ये लगता था कि शायद मैं इस संसार में कुछ भी कर सकता हूं, मेरे समान इसमें कोई, और उसने कहा भी था कि मुस्सा ज्ञानी मुस्सा पंडित, दुनिया में ना कोई दूजा है, मैंने अपने शीश को काट काट शिव शंकर जी को पूछा है। तो आप कितने भी पावरफुल हो जाएं, आपके पास कितना भी धन हो जाए, आपके पास कितना भी प्रतिष्ठा हो जाए, लेकिन अगर आप समाज के विपरीत कुछ करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो नष्ट होने की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो रावण के इस परिस्थिति से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। रावण की अच्छाइयों से भी बहुत कुछ, रावण ऐसा ही नहीं था कि रावण में सब कुछ अच्छा खराब है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है, बुराइयां तो पता है। जी बिल्कुल, रावण की अच्छाइयों में मैं एक बहुत विशेष चीज बताता हूँ। अगर रावण इस पूरे श्री रामचरित्र मानस प्रकरण को समझना है तो आपको अध्ययन करने की जरूरत पड़ती है आरण्य कांड की, आरण्य कांड और किष्किंधा कांड की जो आराधना है, जो इनको समझना है वास्तविकता में हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। किष्किंधा कांड के अंदर एक चौपाई आता है, जब रावण को यह पता चला, आप सभी लोग जानते हैं कि परमात्मा ने, रावण कौन था, जय और विजय द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, महाराज उनके भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय, जिनको श्राप की प्राप्ति हुई, जिनको श्राप मिला, और श्राप के बाद वही जा करके प्रताप भानु और अरिमर्दन हुए, उसके बाद हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष हुए, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष हुए, उसके बाद उन्हीं का जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में होता है। तो जब खर दूषण का वध हो गया, उस टाइम पर रावण को जब पता चला कि खर दूषण का वध हो गया है, तो उसने कहा कि खर दूषण मौसम बलवंता तिनहि न मारे बिन भगवंता। खर दूषण मेरे समान है, इनको बिना परमात्मा के कोई मारे ये संभव नहीं है, और मैं राक्षस हूँ। उसने कहा भजन न होए ये तामस देहा, मेरा शरीर जो है वो तामसी है, इस शरीर से परमात्मा का भजन हो इसकी संभावना नहीं है, और अगर मैंने भजन किया भी, अगर मैंने आराधना की भी, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत सिर्फ मुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी, मेरे जो पीछे मेरी पूरी राक्षसी सेना है इसको मुक्ति की प्राप्ति होगी। रावण से एक और चीज सीखने की है, अब आया है तो मैं बता ही देता हूं। श्री रामचरित्र रावण का जो अरिमर्दन और प्रताप भानु का जो अवतार हुआ, ये दोनों एक बहुत प्रतापी राजा थे। अरिमर्दन जो है प्रताप भानु का छोटा भाई था, श्री रामचरितमानस स्टार्ट ही से होता है। तो प्रताप भानु एक राजा होने के बाद उसके मन में विचार आता है कि मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, मुझे सारे राज्य जीतने हैं। सारे राज्य को जब जीतता है तो उसमें से कोई एक राजा है जो उसके अंडर में नहीं आता है, वो छुप करके भाग जाता है। बहुत दिन तप करने के बाद वो बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है और तांत्रिक हो जाता है। तांत्रिक जो तंत्र क्रिया है उसकी बड़ी नॉलेज होती है। एक दिन प्रताप भानु शिकार खेलते हुए जंगल में जाते हैं, प्यास से बेचैन होते हैं, कारणवश उसकी कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। जब उसकी कुटिया के पास पहुंचते हैं तो उससे फिर बात करते हैं, तो उनकी सारी हिस्ट्री, क्योंकि उसको पता है पहले से, वो पूरी हिस्ट्री उनकी जो है बयान कर देता है और अपने तंत्र के माध्यम से कुछ उनको चमत्कार दिखाता है और कहता है कि आपके जो लक्षण हैं वो चक्रवर्ती के हैं, मैं आपको चक्रवर्ती बना सकता हूँ। प्रताप भानु को लालच आ जाती है कि मुझे चक्रवर्ती बन जाऊँगा मैं। उनसे कहते हैं क्या करना पड़ेगा, वो क्या करता है कि कहता है कल मैं रसोई बनाऊंगा, आप उसको ब्राह्मणों को देना, ब्राह्मण खाएंगे और वो आपको आशीर्वाद देंगे और आप चक्रवर्ती बन जाएंगे। अगले दिन वास्तविकता में जो राजा के रसोइयाँ हैं प्रताप भानु को, उनका हरण कर लेता है और खुद जा करके मांस तैयार करता है। मांस तैयार करने के बाद प्रताप भानु जा करके ब्राह्मणों को भोजन के लिए जैसे ही परोसते हैं, आकाशवाणी होती है, हे ब्राह्मणों इसमें मांस है, इसको ग्रहण करोगे तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, और ब्राह्मण प्रताप भानु को श्राप दे देते हैं, तुम राक्षस हो जाओगे। अगर प्रताप भानु को बहुत कुछ प्राप्त करने की लालसा नहीं होती,
अगर ये नहीं होता कि मैं एक राज्य मेरे पास है, मैं इससे संतुष्ट रहूं, इसका भरण पोषण करूं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। उनके अंदर बहुत सारे राज्य को जीतने की, बहुत सारे राज्य को प्राप्त करने की जो लालसा थी, वो शायद उनको कहीं ना कहीं खराब कर गई और अगला जो उनका जन्म हुआ वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। तो एक तो ये चीज दिखाती कि जीवन में अत्यधिक लालच आपकी परिस्थितियों को परिवर्तित कर देती है। दूसरी चीज दिखाती है कि बहुत ज्यादा क्रोध, बहुत ज्यादा मोह, बहुत ज्यादा लोभ रावण जैसे विद्वान को भी नष्ट कर सकती है। उस टाइम पर दो ही विद्वान थे, एक तरफ वशिष्ठ जी विद्वान थे और एक तरफ रावण विद्वान था। उस टाइम पर अगर देखा जाए तीसरा कोई विद्वान नहीं था। तो यह दिखाती कि आप कितने भी विद्वान हैं, आप कितने भी नॉलेजेबल हैं, लेकिन यदि आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपने ऊपर काबू नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आप चाहे जितना पावरफुल हैं, लेकिन आपका ज्ञान नष्ट हो सकता है, अहंकार आप पर हावी हो सकता है और आप अपने जीवन में नष्ट हो सकते हैं। तो रावण की अच्छाइयों से और रावण की बुराइयों से बहुत कुछ हमें सीखने की आवश्यकता है। अगर उन चीजों को वास्तविकता में हम सीख जाएं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सीखने के बारे में बताया, नो डाउट बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन यदि बात करें राम और रावण के कनेक्शन की, इनका कनेक्शन बड़ा विचलित भी करता है, कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है और इनका रिलेशन ही कुछ अलग है जो व्याख्या की गई है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता, उनको आप इन दोनों के रिश्तों के बारे में क्या मैसेज देंगे? देखिए, अगर राम और रावण के रिश्तों को लेकर के बात किया जाए, आप सीधे जानते हैं कि राम स्वामी है और रावण सेवक है। स्टार्टिंग से ही अगर देखा जाए, जब भगवान का द्वारपाल थे और भगवान विष्णु उनके स्वामी हैं, और इसका आपको उदाहरण भी मिलेगा श्री रामचरितमानस में, जब रावण का वध होता है, जब कुंभकर्ण का वध होता है, तो जो कुंभकर्ण का तेज है वो जाकर के भगवान राम के सीने में समा जाता है, और रावण की भी वध के बाद जाकर के रावण का जो तेज है वो भगवान राम के सीने में समा जाता है, जहां पर लिखा है कि सुर नर सब ही अचंभा माना, सभी लोग देख करके उसको अचंभित हो गए। तो अगर इनके इनके अगर रिलेशन की बात की जाए, तो वास्तविकता में इनका रिलेशन एक सेवक और स्वामी का है। अब रावण को, जब रावण जगत जननी माता जगदम्बा का हरण करने के लिए आया है, जब उसको पता चला कि हाँ हो गया, इनका हरण हो गया, या मतलब भगवान ने अवतार ले लिया और मुझे उनसे दुश्मनी करनी पड़ेगी, तो वहां पर जाकर के सीता जी के हरण के बाद शास्त्र में श्री रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि चरण बंद तही अति सुख माना, उसने माता सीता के चरणों की वंदना करने के बाद माता सीता का हरण किया है, भक्ति की। और रावण चुरा कर किसको ले गया था? रावण माता जानकी को चुरा कर नहीं ले गया था। रावण को पहले ही श्राप था कि यदि किसी स्त्री को बिना उसकी मर्जी के वो अगर छू लेगा तो नष्ट हो जाएगा। और माता सीता के अंदर इतना तेज था, एक समय की कथा है कि जब माता सीता की शादी हुई माता जानकी की, और घर में आई तो भोजन बना, और उस भोजन के अंदर जो महाराज दशरथ को खीर दी गई थी, उस खीर के अंदर कोई तिनका आकर के पड़ गया। जो महाराज दशरथ को जो खीर दिया, सब लोग भोजन कर रहे थे, जो खीर दिया उसके अंदर कोई तिनका आकर के पड़ गया। जैसे ही माता जानकी ने उस तिनके को देखा, वो तिनका जलकर वहीं भस्म हो गया। इतना तेज था उनके अंदर। माता कौशल्या इस चीज को देख रही थी, उन्होंने कहा कि अगर इसके अंदर इतना तेज है तो कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा कोई गलती करे और क्रोध भरी दृष्टि से वो जल जाए, वो तो माँ है। तो उन्होंने प्रार्थना किया कि बेटा आज के बाद आप ऐसा क्रोध नहीं करोगे। तो रावण माता जानकी का हरण नहीं कर सकता था। अगर इसको भी जानना है तो हमें श्री रामचरित आज हमारे भारतवर्ष के अंदर हमारे शास्त्रों को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर, हमारे शास्त्रों का सही अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो जब रावण ने माता जानकी का जो हरण किया है, वो माता जानकी का हरण करके नहीं ले गया था, बल्कि उनके एक प्रतिबिंब को हरण करके ले गया था, जिसके बाद आप लोगों को पता होगा लंका में भगवान राम की अग्नि परीक्षा को लेकर के वर्णन आता है, कि स्किंधा कांड में है कि जब लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने के लिए गए थे, तो वहां पर चौपाई है कि उन्होंने कहा कि सुनहु प्राण प्रिय परम सुशीला, मैं कछु करूं मनुष्य नर लीला, तुम पावक मह करो निवासा, मैं तबलक करूं निशा चरनासा। तो माता भक्ति का हरण करके ले गया था वो, कि अगर भक्ति मेरे घर में होगी तो ब्रह्म को मेरे घर में आना ही पड़ेगा। लेकिन कोई भी गलती करे, किसी भी प्रारूप से करे, इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने किसी को गाली दिया या मैंने चोरी किया तो मेरा मतलब था कि मैं गरीबों की सेवा कर सकूं, उस चोरी से तो मेरी चोरी ना मानी जाए।
चोरी अगर मैंने की है तो मानी चोरी ही जाएगी। तो यदि रावण ने किसी भी विचार से किया, लेकिन किया उसने वास्तविकता में गलत, तो उसके दंड स्वरूप उसका वध करना। और आज जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि रावण की जला करके जो सेलिब्रेट करते हैं, वास्तविकता में करना बेहतर होता है। लेकिन रावण के क्रियाकलापों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि यदि हम गलती करेंगे तो उसका हमें बुरा फल निश्चित रूप से जीवन में प्राप्त होगा, और अच्छा करेंगे तो परमात्मा का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी से आपने जाना कि दशहरा क्यों बेहद खास होता है और किस प्रकार से दशहरे को सेलिब्रेट करना चाहिए। आचार्य जी आपसे एक अहम सवाल ये भी पूछना चाहेंगे, आपने रावण क्या हमारे समाज को संदेश देता है वो आपने बताया, पर राम जी की चर्चा करें तो राम जी की जितनी व्याख्या करें जितना गुण गाए उतना कम है। पर एक सही मायने में देखा जाए तो राम जी के पथ पे तो बहुत सारे लोग चलते हैं, पर राम जी का जो विचार है, जो लोगों को वो समझाते हैं, जो या वो जो लोगों को मैसेज दे हैं, उसे हमें क्या सीख मिलता है इन नवरात्रों और दशहरा के दौरान। देखिए, अगर सबसे पहले ये कहा जाए कि राम जी के पथ पर चलने की बात, शायद मुझे लगता है बहुत कम लोग चलते होंगे, बहुत कम। अगर राम जी के पथ का हम थोड़ा भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, हम लोग वास्तविकता में मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, हम सभी लोग मत्था टेक करके परमात्मा से आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसीलिए लोग कहते हैं कि साहब मैं मंत्र का जप कर रहा हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं जल चढ़ा रहा हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा का अनुसरण नहीं कर पाते हैं। अगर भगवान राम का आप अनुसरण करके देखें तो वास्तविकता में बहुत परिवर्तित है। आज के युग की बात करें आप, शायद माँ बाप को लोग अपने घरों में रखने को तैयार नहीं है, बिल्कुल है नहीं। श्री रामचरितमानस में चौपाई आता है कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। परमात्मा ने अवतार किस लिए लिया है? विप्रधेन सुर संत हित, जो जिसकी बुद्धि सही है, जीवन समाज को एक बेहतर मार्ग प्रदान करने के लिए परमात्मा का अवतार हुआ, एक बेहतर सीख देने के लिए परमात्मा का अवतार हुआ। लेकिन फिर भी शायद हम लोग संसार के लोग नहीं सीख पाए। आज संसार के अंदर कभी भी अगर पिता कुछ कहता है तो 2 मिनट के अंदर उल्टा जवाब निश्चित रूप से देता है। आज पिता जीवन भर अपने पुत्र के लिए त्याग करता करता शायद परेशान हो जाता है, माता पूरे जीवन पुत्र के लिए त्याग करती करती परेशान हो जाती है, लेकिन वृद्धा अवस्था में उनके लिए वृद्ध आश्रम लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लोग उनको वहाँ अपने घर में रखना पसंद नहीं करते हैं। वो भगवान राम कहते हैं कि मुझे, जब भगवान राम का वनगमन हुआ है तो परमात्मा ने स्पष्ट शब्द में कहा है कि मेरे लिए, मेरे पिता ने जहाँ भेजा वही मेरे लिए राज्य है, मेरे पिता को मेरे कारण कोई दुख ना पहुंचे वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है जी। तो शायद भगवान राम से सबसे पहले अगर ये सीखने को देखा जाए, एक भाई आज दूसरे भाई से क्षणिक पैसे के लिए, बड़े पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, अगर भगवान राम के गुण की बात की जाए कि भगवान राम से क्या सीख सकते हैं, एक भाई दूसरे भाई को क्षणिक पैसे के लिए हत्या तक कराने को तैयार हो जाता है, एक दूसरा बाहें तैयार करता है, भाई भाई को कहता तुम मुझे जानते नहीं हो, एक माँ के गर्भ से दोनों पैदा हुए हैं और दूसरा कहता है तुम मुझे जानते नहीं हो। भगवान राम ने यह सिखाया कि ये देखो क्या होता है, भाई भाई का प्रेम क्या होता है, पिता के साथ पुत्र का कर्तव्य क्या होता है, माँ के साथ पुत्र का कर्तव्य क्या होता है। और उसके साथ आप देख लीजिए आज की परिस्थिति में पत्नी से थोड़ी सी अगर बात हो जाए, अनबन हो जाए तो रिश्ते बहुत खराब हो जाते हैं, शायद कम वक्त में भी, यस बहुत कम वक्त में खराब हो जाए, शायद टूटने तक की परिस्थिति हो जाती है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत सुंदरकांड में जब भगवान राम जा रहे थे लंका के लिए तो भगवान राम ने एक संदेश देकर भगवान हनुमान जी को भेजा है। भगवान हनुमान जब लंका जा रहे हैं एक सुंदर संदेश दिया, मुद्रिका तो दी ही, एक सुंदर संदेश दिया, कहा कि तो प्रेम कर मम अरु तोरा और जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही जान प्रीत रस यतन ही माही। उनको कहते हैं कि हे जानकी मेरे मन की बात, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, सिर्फ आपके और मेरे तत्व को सिर्फ मैं समझ सकता हूं या आप समझ सकती हैं और कोई नहीं समझ सकता। और वास्तविकता में आज
आज क्या होता है, कोई कह दे कि आपका पति कल उस लड़की से बात कर रहा था, तो पत्नी पति से नहीं पूछती है कि आप बात कर भी रहे थे या नहीं कर रहे थे, या बात कर रहे थे तो क्यों बात कर रहे थे। शायद पहले ही अपने अंदर एक पिक्चर क्रिएट करती है और शाम को घर के अंदर शायद बवाल हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले यह सिखाया है कि एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे को सुनने का प्रयास करें। और अगर पत्नी के प्रति कोई ऐसी बात होती तो शायद आज पति पत्नी से बात करने को और रिश्ते खराब हो रहे हैं, लेकिन भगवान राम कहते हैं कि यदि पति पत्नी का रिश्ता है तो एक दूसरे के मन की बात एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे के लिए ईगो नहीं होना चाहिए। दूसरा सुंदर संदेश भगवान राम ने यह दिया है, सबसे पहला पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए, दूसरा भाई के प्रति भाई का कर्तव्य क्या होना चाहिए, और तीसरा उन्होंने क्या संदेश दिया, पति पत्नी के बीच आपस का संबंध क्या होना चाहिए। चौथा सुंदर संदेश भगवान राम का, आप जानते हैं निषाद राजगुरु को, भगवान राम के परम मित्र है ना, भगवान राम के परम मित्र। यहां पर हम थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, हमारे अंदर थोड़ा पैसा आ जाता है, तो यहाँ तक कि एक भाई दूसरे भाई को ही नहीं पहचानता, मित्रता की तो बात छोड़ दीजिए, हम हमेशा स्टेटस मेंटेन करते हैं, बड़े मित्र होने चाहिए। हम अगर यहाँ पर हैं तो दोस्ती करेंगे जो हमसे ऊंची परिस्थिति में हो। भगवान राम ने कहा ये कभी मत करो, अगर अपने से ऊंचे वाले से दोस्ती करने का प्रयास करोगे तो हमेशा प्रयास परेशान रहोगे। अगर दोस्ती करना है तो उससे दोस्ती करो जो आपके नीचे हो, जो आपकी दोस्ती के महत्व को समझे। और भगवान राम बड़े हो जाने के बाद भी अपने परम मित्र निषाद राज गुह को नहीं भूलते हैं, जाते हैं, यहां तक कि जब वशिष्ठ मुनि आते हैं निषाद राज गुह उनके प्रणाम करने से डरते हैं कि वशिष्ठ मुनि जो है वो बहुत पवित्र व्यक्ति है, मैं नहीं कर सकता। भगवान राम उनको हाथ पकड़ कहते हैं प्रभु ये मेरा मित्र है, और वशिष्ठ जी उठाकर गले लगा लेते हैं। तो अगर मित्रता भी सीखना है तो भगवान राम से सीखिए। पिता के प्रति कर्तव्य, भाई के प्रति कर्तव्य, पत्नी के प्रति कर्तव्य, माता के प्रति कर्तव्य और मित्र के प्रति कर्तव्य, अगर ये सब सीखना है तो भगवान राम से सीखना चाहिए। एक और चीज, सुंदरकांड के अंतर्गत एक चौपाई आती है कि भगवान राम 3 दिन तक समुद्र की बैठ करके प्रार्थना करते हैं। लिखा है बिनय नमानत जल जड़ गए 3 दिन भीत, और बोले राम शकोप तब भय बिन हो न प्रीत। 3 दिन बैठ करके समुद्र की प्रार्थना की, और 3 दिन बाद भी जब समुद्र नहीं मानता है तो भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सौ सौ बार वृषिक कृषाणु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण बाण लेकर क्या हूँ, मैं समुद्र को सुखा सकता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो पहले ही कर रहा था, यही करना चाहिए था, हम इतने इंतजार क्यों कर रहे थे। लेकिन 3 दिन प्रार्थना, समर्थ हैं जी, नष्ट कर सकते हैं, समुद्र को सुखा सकते हैं, समर्थवान हैं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, जब समुद्र हाथ जोड़ करके आता है उनके सामने तो कहते हैं सुनत बिनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काय, और जहबिद उतरे कपि कटुक तात सो कहा उपाय। मुस्कुरा कर कहते हैं बता क्या करना है। हम लोग जीवन में हम कहते हैं कि हम भगवान राम के भक्त हैं, हम भगवान राम की पूजा करते हैं, लेकिन अगर हम अपने घर पहुंचे, अपने घर पर फोन करें और घर वाले जो आपके अंडर में हैं वो फोन ना उठाएं, और 2 बार फोन करें, 3री बार फोन उठाएं तो शायद आपके मुख से अपशब्द निकलता है। तो आप भगवान राम के अनुयायी कैसे हो सकते हो, आप भगवान राम के भक्त कैसे हो सकते हो। भगवान राम ने ये सीख दिया है कि अपने अंदर अगर पेशेंस नहीं है, अगर आपके अंदर स्थिरता नहीं है तो शायद आप मेरे भक्त नहीं हो सकते हो। तो भगवान राम 3 दिन प्रार्थना करने के बाद कहते हैं कि तू बता मुझे करना क्या चाहिए। सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काय, और जय विद उतरहि कपि कटुक तात सुभाय। मैंने 3 दिन इंतजार जरूर किया है, मुझे क्रोध जरूर आया है, लेकिन अब आप जो कहोगे मैं उसके हिसाब से कार्य करूंगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो भगवान राम से हमें सीखनी चाहिए और सीख करके जीवन को बेहतर करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारा मैसेज भी राम जी देते हैं। पर आप हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है, R9 TV के दर्शकों को आज के खास दिन के लिए दशहरा को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को कहूंगा कि दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं, आप लोग जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामना है। और एक विशेष रूप से अगर मैं कहूं कि रावण को जला लेना या रामलीला जाकर के देखाना या रावण दहन में सम्मिलित हो जाना वास्तविकता में दशहरा मनाना नहीं है। हम जब तक अपने जो हमारे अंदर जो रावण है उसको ना मार पाए, जो एक सुंदर संदेश था जो रावण के माध्यम से हमें प्राप्त भी हुआ, स्त्रियों का सम्मान करें, समाज में
आपके प्रति कोई ऐसा कार्य आप ना करें जिससे समाज को कुछ नुकसान हो, जिससे समाज की जो मर्यादा है वो भंग हो, जिससे समाज की जो प्रकृति है वो नष्ट हो। ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें। स्त्रियों का सम्मान करें। रावण से समझ में आया कि स्त्रियों का अपमान किया तो उसका क्या प्रभाव होता है, वो सभी के सामने विदित हो गया। स्त्री का सम्मान करें, समाज का सम्मान करें, परिवार में एकता रखें। रावण ने एक और बहुत सुंदर चीज़ सिखाया है रावण ने, कि रावण के परिवार में कोई उसका जल्दी विरोधी नहीं था। रावण ने परिवार को बहुत एक करके रखा था। और उसके बाद यदि किसी ने यदि विभीषण को नहीं बेहतर लगा तो उसने उनको बिल्कुल सीधे कहा कि आप जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो परिवार को एक रखने का प्रयास करें। अगर परिवार की भी एकता भंग होती है तो निश्चित रूप से हमारे परिवार में दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। तो मेरा विशेष संदेश होगा कि आप लोग अपने परिवार की एकता बनाएं, जीवन में स्थिरता लेकर के आएं और अपनी जो 10 इंद्रियां हैं उनको काबू करके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने का प्रयास ना करें, जो आज है उसका सुख भोगने का प्रयास करें। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने आचार्य जी से जाना कि आज का दिन बेहद खास क्यों माना जाता है। बुराई में सच्चाई की जीत कहे या किसी भी प्रकार की उपलब्धि कहे, आज के दिन को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहे R9 TV के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।